बंधु भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल में मिर्ची बाबा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता आमने सामने नजर आए, जहां एक और कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ही पार्टी का समर्थन करने वाले मिर्ची बाबा के लिए बोलते हुए नजर आए कि वॉक में कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो मिर्ची बाबा का नहीं। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कहा कि मैं भोपाल पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि रात्रि 4 बजे गिरफ्तार किया व मिर्ची बाबा को कांग्रेस का स्टार प्रचारक कांग्रेस का वहां मिर्ची बाबा जो कमलनाथ की गाड़ी में घूमते थे, एकमात्र साथी कमलनाथ का उसे भोपाल पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया है। महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि शादी के कई साल बाद भी बच्चे नहीं हो रहे थे। इस संबंध में वो किसी का ही फायदा उठाकर दुष्कर्म किया गया। ये जो शिकायत हमारे पास कर आई है उसके तहत अपराध रजिस्टर किया गया है। नहीं, अभी स्टेटमेंट उनके भी कंटिन्यू लिए जा रहे हैं, इनका भी बातचीत चल रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो होगा आपको अपडेट कराएगा। गिरफ्तारी भोपाल पुलिस के द्वारा की गई। बाबा के मकान की सर्चिंग की गई। अभी कल ही अपराध रजिस्टर्ड हुआ है, तो जो कार्रवाइयाँ चल रही है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये चीजें और आएंगी तो उसके बारे में भी आपको कोर्ट पे पेश करेंगे क्या? हाँ। मैं कितने की रिमांड मांग रहे हैं? रिमांड मांगेंगे आप कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन के लिए? ये अभी सोचेंगे, अगर अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन के पहलू में बिंदु नहीं आ रहे हैं निकल के तो जरूर रिमांड। नहीं, अभी एक ही व्यक्ति हमारे पास है, उसके तहत ये इसमें अभी बातचीत चल रही है। क्या तंत्र मंत्र का विघासन किया गया था, कुछ ऐसी जानकारी? अभी इसमें बातचीत चल रही है, अभी पीड़िता से भी बयान लिए जा रहे हैं, जो बयान में आएगा उसके तहत आपको बताएगा। एफ आई आर रजिस्टर शुरुआती तौर में जो मैंने आपको बताया कि महिला जो है वो बच्चे न होने की वजह से परेशान थी और इसके ही संबंध में संपर्क में आई थी और उसी का झांसा देकर दुष्कृत कार्य किया गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।